आई मीन पिछले हफ्ते हमने एक सीरीज शुरू किया जिसका नाम था इम्पॉसिबल फेथ, आई मीन अत्यंत विश्वास, आई मीन हमने उसके कई सारे नाम लिए थे, है ना, क्रेजी एक वर्ड है, पागल विश्वास, आई मीन हम उस वर्ड को यूज नहीं करना चाहते थे ताकि लोगों के लिए वो एक ऑफेंस का कारण ना हो, आई मीन कितने लोगों ने अपने लाइफ में शुरू किया उसे यूज करना, 1, 2, 3 प्रेज लॉर्ड, 4, 5, 6, 7, 8 आई मीन बाकी लोग कब यूज करेंगे, आई मीन हालेलुया, आई मीन आज यूज करना शुरू करेंगे, ओके हालेलुया। जितने लोग भी ऑनलाइन हैं, मैं विश्वास करता हूं आई मीन आपके लिए भी ये आई मीन एक सीख होगा। कोई भी वचन अगर हम उपयोग नहीं कर रहे तो वो बिल्कुल बेकार है, वो यूज करना उसको, मतलब वो सुनना भी हमारे लिए टाइम वेस्ट है। अगर आप यहाँ पे आए हो और आप वचन सुन रहे हो और अगर आप वो वचन अपने जीवन में लागू नहीं कर रहे तो वो बिल्कुल हमारे लिए वो एक टाइम वेस्ट वाली बात हो जाती है, उसका कोई भी फायदा हमें नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम उसे यूज करना शुरू करते, आई मीन जो कुछ हमने सोचा है उसका सबका विपरीत क्या करना करता है, वो शुरू हो जाता है। आई मीन तो शैतान का आज काम पता है क्या है, आई मीन एक आप इसको सुने ना, दूसरा शैतान का काम आप जानते क्या है, अगर आपने सुन लिया तो आप उसे उपयोग ना करें। मैं एक और बार बोलूंगा, शैतान का दो काम है यहां पे, पहला आप सुने नहीं, हालेलुया हालेलुया। आई मीन सुनने के कई रीति होते हैं, सुनने का मतलब आप जानते क्या है, सुनना इक्वल्स टू रिसीविंग होना चाहिए, मतलब जो आप सुन रहे हैं वो आपके दिमाग में घुसना चाहिए। आई मीन जब वो दिमाग में घुसता है तो वो ऑटोमेटिकली काम करता है, आई मीन क्योंकि वो हमारे अंदर रह जाता है तो हम उसे क्या करने लगते हैं, हम उसे यूज करना शुरू कर देते हैं। आज भी परमेश्वर में उसी के लिए उपयोग करें, आई मीन ताकि हम जो वचन सुन रहे हैं उसको हम क्या कर सके, आई मीन यूज कर सके। पिछले हफ्ते में हमने सीखा इम्पॉसिबल फेथ, आई मीन अत्यंत या अद्भुत विश्वास। अब सबके अंदर अत्यंत या अद्भुत विश्वास नहीं है, आई मीन वो पॉसिबल नहीं है, है ना, कि सबके अंदर क्या हो, एक अत्यंत विश्वास हो, इतना आसान नहीं है वो लाना अपने अंदर, आई मीन तो कई लोगों का ये सवाल था कि हम ये कैसे लाएं, आई मीन तो हमने पिछले हफ्ते बहुत अच्छा हमने वचन सुना, आई मीन हमें से कुछ लोगों के लिए वो आशीष भी था, हमें से कुछ लोगों ने शायद ट्राई भी किया, आई मीन लेकिन 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 वो नहीं है जो मैं चाहता हूं आप अभी करें, मैं चाहता हूं आप कुछ और करें, क्योंकि इम्पॉसिबल फेथ होने से पहले आई मीन अत्यंत विश्वास का मतलब होता है बड़ा विश्वास। क्या है बड़ा, मतलब बड़ा है वो, आपके बड़ा विश्वास होने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए। कुछ लोगों का प्रॉब्लम क्या पता है, वो वचन सुनने के बाद वो सीधा बड़ा वाला काम करना चाहते। आप बड़ा नहीं कर सकते जब तक आपने छोटा नहीं किया हो, आई मीन आप कुछ लोग निर्णय लेते हैं, परमेश्वर आज से मैं 1 घंटा दुआ करूंगा, तूने जिंदगी में 5 मिनट दुआ नहीं किया तू 1 घंटा क्या करेगा। सी द प्रॉब्लम इज आप किसी और को देखकर सोच रहे हैं जो वो कर रहा है मैं करना चाहता हूं, पर वो वहां पहुंचने के लिए उसने 5 साल पहले कहीं ना कहीं छोटे में शुरू किया था। हालेलुया आई मीन सो यू वॉन्ट टू डू दिस, हमें इतना बढ़ना है, इतना बढ़ने के लिए हमें पहले इतना बढ़ना है, ये हमारी शुरुआत है। तो इम्पॉसिबल विश्वास होने से पहले आई मीन आज कल और परसों इम्पॉसिबल विश्वास होने से पहले हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए पता है, बेबी लाइक फेथ, बच्चे जैसा विश्वास। कैसा विश्वास होना चाहिए बच्चे, आप बड़ों वाला विश्वास तब तक नहीं ला सकते जब तक आप बच्चे वाला विश्वास नहीं ला सकते। आई मीन आप परमेश्वर से कुछ बड़ा नहीं मांग सकते जब तक आपने आई मीन बच्चे वाले विश्वास में खुदा से कुछ ना लिया हो। हमें से बहुत लोग ना कुछ बड़ा बड़ा चीज चाहते अपने जीवन के अंदर, पर वो तभी हो पाएगा जब हम क्या करेंगे, एक बच्चे जैसा विश्वास परमेश्वर के सामने हम लेके आएंगे। जब तक हम लेके नहीं आएंगे तब तक परमेश्वर हमारे लिए कार्य नहीं कर पाएगा। एक बार क्या होता है, परमेश्वर यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आता है और और, और 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 वो बात करने से पहले यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को क्या किया होता है, सेवकाई के लिए भेजा होता है, दो दो करके सेवकाई में भेजा होता है। और मैंने ये कुछ हफ्ते पहले आपके बीच में बांटा था, तो वो जब जाते हैं आई मीन तो वो सेवकाई करते हैं और कुछ देर बाद जब वो वापस आते हैं तो आई मीन उनसे एक व्यक्ति का दुष्टात्मा नहीं निकला। तो जब दुष्टात्मा नहीं निकला तो जो बंदा था जिसके 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 परिवार में से दुष्टात्मा नहीं निकला वो जाता है और कहता है तुम्हारा मालिक कौन है, तुम्हारा मैनेजर कौन है, बड़ा वाला कौन है। उन्होंने बोला होगा मेरा हमारा बड़ा वाला कौन है, ये यीशु है, कौन है ये यीशु। होता है ना कभी कभी हम किसी जगह पे
आमीन। हम लोग खाने के लिए जाते हैं या बात करने जाते हैं या ऑनलाइन में कुछ ऑर्डर किया होता है या कस्टमर सर्विस से बात कर रहे होते हैं और फिर फोन में बात करते 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 अगर वो हमें सही तरीके से चीजें ठीक नहीं कर पाए तो हम क्या कहते हैं, मैनेजर को बुलाओ, तुम्हारा मैनेजर कौन है उससे बात करेंगे, हम उससे बात करेंगे, तुम्हारा सुपरवाइजर कौन है। वैसे ही है, ये लोगों के ये काम नहीं हो पाया तो उसने मैनेजर के पास गया। सुपरवाइजर कौन था? यीशु मसीह था। ये किसके चेले थे? यीशु मसीह के। तो ये लोग गए और उन्होंने इस प्रकार से बोला, तेरे शिष्य ने बहुत कोशिश की लेकिन वो दुष्ट आत्मा वो नहीं निकाल पाए। और फिर यीशु मसीह उनको देखता है और बोलता है कि तुम्हारा विश्वास कितना कम है ना, हाउ लिटिल तुम्हारा विश्वास है, कितना कम है तुम्हारा विश्वास। परमेश्वर उनसे कहता है अगर तुम्हारे अंदर, एक और मेरे साथ ऐसे हाथ उठाना है आपको, सबको उठाना, नहीं तो मैं हाथ उठा के आपका नाम लूंगा। हालेलुया। क्योंकि मैं चाहता हूं हम सब ये चीज ट्राई करें। एक और मैं ट्राई करते हैं, कितना विश्वास। एक्चुअली मैं अभी आपके पास अगर राई डालू भी ना आपको नहीं पकड़ पाऊंगा, क्योंकि राई कितना होता है, कितना है। परमेश्वर ने बोला आपके पास कितना होना चाहिए, नहीं बेटा इतना है, ये देख कितना है, मैं करेक्ट करना चाहता हूँ, कितना है, इतना ही रहेगा, ये दब जाएगा इतना। कहाँ उषा सिस्टर, कहाँ रह गया राई? राई इधर हाथ में होना है, उधर वाला तो वो ले जाएगा। हमें कितना होना है, इतना। कितना विश्वास चाहिए आज, इतना विश्वास जी, कितना है, आमीन। कुलवंत ब्रदर कितना, कुलदीप ब्रदर कितना है, इतना, आमीन। इतना विश्वास कितना चाहिए, इतना विश्वास। आप आज कलीसिया में आए तो आपके अंदर दिखना चाहिए कितना विश्वास, उदय कितना दिखना चाहिए, इतना। प्रेज द लॉर्ड, दिस इज व्हाट गॉड, परमेश्वर कहता है इतना तेरे अंदर, इतना होना चाहिए, आमीन, इतना है। अब सुनिए, ध्यान से सुनिए, है ना, आप कभी कभी हमें कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होता तो परमेश्वर इतना निराश है क्योंकि इनके अंदर क्या नहीं है, कितना भी नहीं है, इतना भी नहीं है, कितना नहीं है। एक बार भी शादी हमारा विश्वास निकल जाता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। एक बारिश आती है हमारा विश्वास, बेबी आज तो ओले भी गिरते हैं, पास्टर जी में तो कुछ भी बोल दे के आज तू बढ़िया चाय और पकौड़े बना, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है तेरा विश्वास कितना होना है, आमीन। देखिए आपका विश्वास पता कब दिखना चाहिए, आमीन, जब बारिश आ रही है। आपका विश्वास तब दिखना चाहिए जब कीचड़ है, आपका विश्वास तब दिखना चाहिए जब कमी है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इतना अब किया क्या बताए, अभी समझ आ रहा है ना आपको, कितना होना चाहिए, इतना, ठीक है। अगली बार आपकी पत्नी आपको कहे नहीं हो पाएगा, आप उसे दिखाओ कितना, कितना, हालेलुया, आमीन। मैं एक्चुअली ये लाइव टीवी में बताना नहीं चाहता था, पर हमारी एक बहुत अच्छी विश्वासी है जो हमारे साथ जुड़ती है, प्रेज़ द लॉर्ड, अनीता दीदी भी वापस आ गई है, आमीन। तो आमीन, पिछले हफ्ते मंडे को हमने प्रेयर किया, थर्सडे में आप में से अधिकतर लोग थर्सडे की प्रार्थना में आते हैं, थर्सडे एक्चुअली बहुत बढ़िया था, आपने मिस कर दिया अगर जो नहीं है। कितने लोग आए थे, हालेलुया, वंडरफुल। कैसा था अशोक जी, बढ़िया था, सरस्वती सिस्टर, अच्छा, बहुत बढ़िया था। और जो लाइव में हमारे साथ जुड़े थे ना, उन्होंने भी मेरे को मैसेज करके बोला कि हम वेट कर रहे थे कि कब आप रेवलेशन का किताब शुरू करोगे, और परमेश्वर का एक अद्भुत काम वहां पे हो रहा था। तो मंडे क्या हुआ, आपको पता है कि हमें हमारा लाइव ब्रॉडकास्ट बढ़ाने के लिए हमने एक प्रोजेक्ट रखा है, आमीन, जिसमें हम चाहते थे कि परमेश्वर का वचन अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे करके, और हमने क्या किया, उसके लिए दुआ करना शुरू किया, और हमारा एक बजट है, बहुत बड़ा बजट है, आमीन, जो लाखों में है, आमीन। और मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ जो कितना है। अब आपको याद है मैंने थर्सडे क्या प्रेयर किया, मैंने, आप में से कुछ लोग थे तो आपको पता है थर्सडे मैंने क्या प्रचार किया, तो अब मैं आपको बता दो थर्सडे के बाद क्या हुआ, और संडे में इतना जोश में क्यों हूं, क्योंकि बच्चे जैसा विश्वास क्या कर सकता है, मैं आपको सिखाना चाहता हूं, आमीन। तो मंडे में गया और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा, और जिनको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, आमीन, मुझे एक जगह जाना था इक्विपमेंट्स लेने के लिए, कुछ मदद के बारे में मैंने सोचा था, मैं गया, डैड मॉम से मैंने प्रार्थना करवाई, हम तीनों ने प्रार्थना किया, आमीन, मैं गया, वो काम नहीं बना। ट्यूजडे गया, प्रार्थना की, काम नहीं बना। विकास ब्रदर बैठे गए यहाँ पे, सर सिर्फ आपकी प्रार्थना नहीं बनती, हमारी भी नहीं सुनते कभी कभी, हालेलुया। तो आप में से कुछ लोगों को लगता होगा यार मैं दुआ कर रहा हूं मेरी नहीं सुन रहा, कभी कभी हमारी भी नहीं सुनते, क्योंकि खुदा कुछ बढ़िया प्लान कर रहा है, तू जो मांग रहा है वैसे नहीं होता, आमीन, हम निराश नहीं होते,
आमेन हम नहीं और मानते, अगर आज नहीं सुना तो कल वापस आएंगे, कल नहीं सुना तो तीसरे दिन आएंगे, नहीं सुना चौथे दिन आएंगे। हम किसी के पास नहीं जाएंगे, हम सिर्फ खुदा से ही मांगेंगे। Praise the Lord। तो पहले दिन के काम नहीं बना गुल्डी, दूसरे दिन के फिर काम नहीं बना। बड़े पास्टर जी ने भी प्रार्थना कर लिया, मम्मी ने भी कर लिया, बीवी ने भी कर लिया, मैंने भी कर लिया, आमेन। और एक दो चने जो इस बात को जानते थे उन्होंने भी कर लिया। मंडे भी नहीं हुआ, ट्यूसडे भी नहीं हुआ, वापस गया दुआ करने लगा। कभी कभी जब आपकी कोई बात नहीं बनती ना, वापस फिर दुआ करो। हालेलुया, तो वापस दुआ गया। देखो प्रॉब्लम हमारा क्या है पता है, विश्वास में दिमाग नहीं लगता। बोलो एक और बार, विश्वास में दिमाग नहीं लगता। अगर दिमाग लग रहा है तो विश्वास नहीं है। आमेन। आपको अगर खुदा के पास कोई विषय लेके जाना है तो आपके पास इम्पॉसिबल विषय होना चाहिए। आमेन। तभी विश्वास, तभी तो विश्वास है ना। गवाही क्या देंगे, मैंने बिस्किट मांगी मेरे को बिस्किट मिल गया, नहीं वो तो तू खरीद सकता था। तू वो गवाही दे जो तू नहीं खरीद सकता था, जो तेरे बस में नहीं था, जो तेरे खानदान के बस में नहीं था, जो तेरे परिवार में नहीं था, वो खुदा ने किया है, इसे विश्वास कहते हैं। ट्यूसडे गया, प्रेज द लॉर्ड, ट्यूसडे जाकर दुआ किया। दुआ करने के बाद आई मीन मुझे रेवलेशन का किताब भी प्रिपेयर करना था। ट्यूसडे मैं बैठा, प्रार्थना किया, मैं एक मिशन का किताब पढ़ रहा था अपने आप को और उत्तेजित करने के लिए। तो मैं पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते एक वर्ड ढूंढते ढूंढते मैं गूगल में गया और वहां पर मुझे पता लगा बीस से पच्चीस% लोग पूरे दुनिया में हिंदी की भाषा उपयोग करते। मैं सोचा यीशु मसीह को जल्द से जल्द वापस आना है, और हम कहते भी है सबसे आखिरी में, परमेश्वर तू जल्दी। लेकिन यीशु ने कहा मुझे जल्दी वापस तो आना है, मैं तब तक नहीं आ सकता जब तक तुम लोग क्या नहीं करोगे, परमेश्वर का वचन जगत के कोने कोने तक नहीं बट बांटोगे। आमेन। तो हम चाहते हैं पर हम काम भी नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि यीशु आ जाए लेकिन मेहनत नहीं करेंगे। हम क्यों करें, कोई और करेगा, हमारे बस में नहीं है। तो परमेश्वर ने कहा 100 में से 25% हिंदी बोलते हैं। आमेन। तो इसका मतलब अगर परमेश्वर का वचन अगर हिंदी में भी बांटा जाए तो दुनिया में 25% लोग क्या कर सकते हैं, एक बार कम से कम परमेश्वर का वचन। इतना काफी था मेरे दिल को थोड़ा और जोश देने के लिए। वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, थर्सडे वो वापस आई, फ्राइडे हमें विजिटिंग के लिए जाना था। तो जब हमें फ्राइडे विजिटिंग के लिए जाना था तो हम लोग थोड़ा कुछ काम के बाद क्या है, हम लोग निकले और हम चिराग दिल्ली में पहुंचे। चिराग दिल्ली जब हम पहुंचे आमेन, तो हमें पार्किंग की जगह नहीं मिली। और जब पार्किंग, क्योंकि हमें लगा कि वहां पे पार्किंग होगा, मैं कभी उस वाले मेट्रो में गया नहीं, तो हम पार्किंग के लिए गए तो वहां पे पार्किंग नहीं मिला। तो वहां से मैं पंचशील गया, जिनको दिल्ली के बारे में पता है अगला स्टॉप पंचशील था। मैंने वहां पे डीडीए वाले के आमेन वहां पे गाड़ी लगाने की कोशिश की, लेकिन पता लगा वो 4:30 बजे के बाद बंद हो जाता है। तो गाड़ी मैंने वहां से निकाली, फिर एक पुलिस वाले अंकल के पास गया। उन्होंने मेरे से बोला बेटा आप आगे से यू टर्न ले लो और वहां पे जो भी मिलेगा वहां पे आप क्या करना, गाड़ी पार्क कर देना। मुझे पता नहीं उन्होंने कौन सा यू टर्न बोला, मैंने भी यू टर्न ले लिया और मुझे ना गाड़ी डालने वाली जगह मिली। आई मीन मैं भी बड़े खुशी खुशी उसके अंदर क्या है चला गया, अंदर जाया, गाड़ी वाड़ी मैंने डाला, गाड़ी ऑफ किया तो मैंने देखा कि यार बड़ी भीड़ है और सब लोग क्या है बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे, सच सच के आ रहे। मैंने कहा यार पार्किंग में इतने सच सच के आ रहे क्या यार, ये कौन सी जगह है। तो बाद में मैंने क्या देखा, वो एक क्लब है और वहां पे एक शादी हो रही है। वहां पे पार्किंग है नहीं, किसी को बोल दिया इतने बजे पहुंच जाएंगे, लेट हो रहे हैं, सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, महिमा प्रेग्नेंट है, ज्यादा चल नहीं सकते, क्या करें। तो महिमा ने और मैंने बोला हम भी कम नहीं लग रहे शादी वाले जैसे तो हम भी क्या है। आमेन। महिमा वहां से निकली, वो भी थोड़ा सा सही ड्रेस्ड अप थी, मैं भी ड्रेस्ड अप था। आमेन। हम भी बड़े स्टाइल में ऐसे ही घूमे जैसे हम किस में आए हैं, शादी में आए। प्रेज द लॉर्ड। एनीवेज हम लोग वहां से निकले, हम मेट्रो के अंदर घुसे, परमेश्वर हमारे साथ था। आमेन। और गाड़ी भी हमारी बच गई, बाय द वे वो बात की कहानी है। आमेन। और हम जब मेट्रो में घुसे तो हमने इतनी हम चल के जा रहे थे तो मैंने इस प्रकार से महिमा से बोला काश कोई रास्ता परमेश्वर खोल सके करके। आमेन। और ऐसे हम बोल रहे थे, हम बड़े पॉजिटिव थे क्योंकि हमें पता था आमेन कि हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेट्रो के अंदर घुसे, हमें साइड वाली एक सीट मिली। आमेन। मैं और महिमा एक साथ बैठे, अचानक मेरे फोन में एक बीप आता है और वो बीप में तुरंत लिखा है 40,000 rupees क्रेडिटेड इन योर चर्च अकाउंट, 40,000 rupees आमेन कलीसिया के अकाउंट में। मैं तुरंत निकाला, मैं बोला ये कौन है यार ये। तो फिर मैंने 2 मिनट बाद हमें एक सिस्टर ने कॉल किया है ना, और 2 मिनट बाद देखिए हमारा एक प्रॉब्लम है, हम हर चीज में ट्रांसपेरेंट रहते हैं। आई मीन प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि खुदा ने दिया तो उसमें छुपाना क्या है।
हालेलुया आमेन. तो जब दो मिनट बाद एक सिस्टर का कॉल आता और वो कहती है कि प्रभु के दास हम कुछ मदद करना चाहते थे आमेन. और वो मेरे से कभी मिली नहीं है, वो दिल्ली के चर्च में नहीं है आमेन. वो यहाँ से कम 3,000 मील दूर रहती है आमेन. लेकिन उन्होंने इस प्रकार से बोला हम आमेन ICM के लिए कुछ करना चाहते हैं और मैं गारंटी से देता हूँ वो अभी हमारे साथ लाइफ में जुड़ी होगी. वो 1 साल से हमारे साथ है. उन्होंने बोला प्रभु के दास मुझे पता है अमाउंट बहुत बड़ा है लेकिन उसमें से एक छोटा सा अमाउंट मैं देना चाहती हूँ. उन्होंने बोला मैं 1,00,000 रुपए अगले 3 दिन में मैं 1,00,000 रुपए आपको क्या करना चाहती हूँ आमेन. आपके इस प्रोजेक्ट में मैं आपके लिए हाथ बढ़ाना चाहती हूँ क्योंकि 1 साल से हम आपके साथ जुड़े हैं आमेन. और 1 साल बाद 1 साल में कभी भी शायद आमेन उनके दिल में यह आया नहीं लेकिन जब आमेन उसके बच्चों ने घुटना टेका और जब आमेन खुदा के पास ये जरूरत पहुंची खुदा ने तब किसी के दिल के अंदर क्या किया आमेन काम करना शुरू किया. बोला बच्चे जैसा कोई मुझ पे विश्वास कर रहा है जरूरत पूरा हो रहा है आमेन. हालेलुया हालेलुया. एक दूसरी बहन आई, शर्माना क्या, एक दूसरी बहन आई उसने अपना पूरा सैलरी उठा के हाथ में दे के बोला पास्टर जी मेरा पूरा सैलरी है आमेन. ये आप हाथ में रखो आमेन. काम बढ़ना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए आमेन. आज मैं आपको क्या बोल रहा हूं आमेन, जब आपका विश्वास जब इतना है खुदा कहता है चारों कोरों से तेरे कलीसिया में आने की जरूरत नहीं है, तुझे देखने की जरूरत नहीं है आमेन. इतना काफी है, इतना. हालेलुया. और आप मुझे बोलते परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता. सर अगर आप करना शुरू करोगे, आप सही तरीके से करोगे, आप विश्वास से करोगे, बच्चे के समान आओगे, खुदा आज भी करता है, उसके लिए कुछ भी असंभव. हालेलुया हालेलुया आमेन. खत्म नहीं हुआ. आज दोपहर में मैं बैठा हुआ था और मैं एबी आई थिंक ग्रेश प्रथम अभी ना हम बैठे हुए थे और दूसरा सर्विस खत्म हुआ था आमेन. मैं नीचे से ऊपर गया, मैं वहां पे बैठा और एक ऐसी बहन और एक ऐसे हस्बैंड जो हमसे कम से कम 20,000 मील दूर है न्यूजीलैंड से उन्होंने कॉल किया और बोला पास्टर. और मैंने नंबर देखा है भी मेरे बिल्कुल सामने खड़ा है और मैं बोला ये क्या है, ये कोई एयरटेल वालों का खतरनाक शिव कुमार जी ऐसा लग रहा है मेरे को, उठाओ नहीं उठा लेकिन कुछ अजीब सा नंबर है आमेन. तो मैंने एनीवेज उठाया. उन्होंने बोला पास्टर हम आपके कलीसिया के साथ पिछले 1 साल से जुड़े हुए हैं और मुझे ऐसे लगता है आप मेरे बच्चे हो. ओके आमेन है ना. और उनको पता है मैं प्रेग्नेंट है, वो हमारे साथ है. उन्होंने बोला हमें ऐसे लगता है कि आप हमारी कलीसिया हो, हम आपके कलीसिया. उन्होंने बोला हमने सुना कि और हमें ऐसे लगता है कि शायद कुछ जरूरत है आपकी कलीसिया को आमेन. हम न्यूजीलैंड में हैं ज्यादा नहीं लेकिन हम कुछ हेल्प भेज रहे हैं, वो कल तक आपके पास आ जाएगा. और मैं वहीं बैठ के आमेन, मैं वहीं बैठ के और मैं एक्चुअली यूजली अपना सारा टेस्टिमनी बच्चों के साथ शेयर करता हूँ या फैमिली के साथ आमेन. तो मैंने वहां पे वो शेयर नहीं किया क्योंकि मुझे अभी करना था क्योंकि जस्ट थोड़ी देर पहले हुआ. आप सोच रहे हैं पास्टर जी ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं, मैं इसके लिए बता रहा हूँ आमेन क्योंकि अगर आपके पास्टर के पास इतना विश्वास है आमेन आपके पास भी इतना विश्वास होना चाहिए. अगर आप ICM में आने वाले व्यक्ति है तो आपके अंदर इतना विश्वास होना चाहिए. कितना विश्वास होना चाहिए मैं नहीं जानता आज आपका क्या विषय, मैं नहीं जानता आपका स्कूल फीस कितना है, मैं नहीं जानता आपका कॉलेज का फीस कितना है, मैं नहीं जानता आपके बिजनेस में कितना जरूरत है, मैं नहीं जानता आपका कर्ज कितना है, मैं नहीं जानता आपके घर में क्या जरूरत है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं जिसके अंदर इतना विश्वास है उसके लिए कुछ भी असंभव. बोलिए नहीं है, नहीं है. प्रेज द लॉर्ड. दिमाग लगाना विश्वास नहीं है. किसी को देख के बोलो दिमाग मत लगाओ. प्रेज द लॉर्ड. कई लोगों को मैंने देखा है वो जब उनके लाइफ में एक प्रॉब्लम आती है तो हम दिमाग लगाते हैं पास्टर जी नहीं चल रहा अब क्या करें, कुछ मत कर प्रेयर कर. तुझे अपने डैडी पे विश्वास नहीं है, तू अपने ऊपर विश्वास कर रही है, तू पास्टर पे ऊपर विश्वास कर रही है, नहीं तू डैडी पे विश्वास कर.
हालेलुया। अब सुनिए ध्यान से, अगर तुम्हारे अंदर इतना विश्वास है तो परमेश्वर ने जब बोलता है ना, तुम्हारे अंदर कितना विश्वास होना चाहिए, राई जितना, तो फिर परमेश्वर अगल बगल देखता है। कहां देखता है? अगल बगल देखता है। और परमेश्वर ने हमेशा कॉन्टेक्स्ट को लेके प्रचार करता था, तो परमेश्वर ने अगल बगल देखा और फिर क्या बोला बताया, ये जो पहाड़ देख रहे हो, ये जो पहाड़, ये लिखा है उसके अंदर, क्या लिखा है, ये जो पहाड़ तुम देख रहे हो, कौन सा सामने दिख रहा था, वो ये कहीं वो अचानक बात नहीं कर रहे थे, वहां वाला पहाड़ नहीं था, बोला ये सामने तुम्हारे दिख रहा है, तुम्हारे अंदर इतना विश्वास है, तुम्हें जो सामने पहाड़ दिख रहा है, आमेन, तू उसको बोलेगा पानी में चले जा, तो अब पानी में क्या करेगा, वो निकल कर चला जाएगा। सामने सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, परमेश्वर ने ये नहीं बोला वो जो बकरी दिख रहा है, परमेश्वर ने ये नहीं बोला वो छोटा सा जो पत्थर दिख रहा है, परमेश्वर ने देखा होगा चारों ओर, अब देखने के बाद ये वाला पहाड़, बोला ये वाला पहाड़। आज परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आकर, आपके घर पे आकर आपको क्या बोल रहा है पता है, पुराने पहाड़ों की बात नहीं कर रहा है, किसी और के पहाड़ की बात नहीं कर रहा है, आपके घर के अंदर आकर आपको कह रहा है, आकर तुझे इतना विश्वास है, तेरे डैड का जितना भी विषय है, तेरे परिवार का जितना भी विषय है, तेरे बिजनेस का जितना भी बड़ा पहाड़ है, तेरे शरीर में जितना भी बड़ा रोग का पहाड़ है, परमेश्वर कहता है वो क्या करेगा, वो मैं हटा दूंगा, निकाल के खाई में डाल दूंगा। ताली बजा के जरा परमेश्वर का, जरा विश्वास से उसका धन्यवाद कीजिए, क्योंकि खुदा ये कर सकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार एक औरत, Praise the Lord, वो 74 years की थी, 74 years की थी, Amen। और वो एक मीटिंग में गई और उस मीटिंग में उसने ये प्रचार सुना कि अगर तुम्हें राई जितना विश्वास है तो तुम्हारे शरीर का रोग क्या करेगा, तुम्हें तुम्हारे जो भी विषय हट जाएगा। तो इस बहन का एक प्रॉब्लम था, Amen, कि ये बहन लंगड़ा लंगड़ा के चलती थी और रात को सो नहीं पाती थी, Amen, 2-3 घंटे से ज्यादा बेड में भी नहीं लेट पाती थी, तो बहुत बहुत बीमार थी, बहुत परेशान रहती थी। लेकिन इस बहन ने एक निर्णय लिया, प्रेज लॉर्ड, आमीन, मैं प्रार्थना और दुआओं से अपने आप को अलग नहीं रखूंगी चाहे कुछ भी हो। 73-74 इयर्स की औरत है, आमीन, प्रेज लॉर्ड। और सबने उन्हें बोला इस उम्र में तो ये होता है, उन्होंने सबने से बोला इस उम्र में ये, और लोग भी हमें बोलते हैं इस उम्र में क्या होता है। मैं कभी कभी देखता हूं लोगों का विश्वास भी उतना ही है जितना उनके अंदर है, किसी और का विश्वास लेकर अपने विश्वास को उसके साथ मत जोड़ देना, समझ आया। किसी और का विश्वास अगर कम है तो उस देखिए उसका एक्सपीरियंस अलग है और आपका एक्सपीरियंस अलग है, आमीन। उसने अपने विश्वास में खुदा को जाना होगा, इसका यह मतलब नहीं है खुदा उतना ही है, समझ ही नहीं आया। किसी ने अपने विश्वास के अनुसार खुदा को जाना होगा और फिर वो आपको बताएगा खुदा इतना ही कर, तो इसका यह मतलब नहीं है खुदा इतना ही है, आमीन, क्योंकि फिर आप किसी और से मिलेंगे, आमीन, जो खुदा से और होगा और उसका विश्वास परमेश्वर के लिए एक्सपीरियंस थोड़ा और बड़ा होगा। किसी और के लिए जो खुदा ने काम किया जरूरी नहीं है उतना ही खुदा आपके लिए करेगा, आप बढ़ोगे तो खुदा भी बड़ा बनेगा। हालेलुया। जब हम एक संतरे के पेड़ को देखते हैं तो हमें लगता है कि पेड़ इतना ही होता है, आमीन, क्योंकि हमने क्या किया पूरी जिंदगी कौन सा पेड़ देखा, सिर्फ संतरे, तो हमें लगता पेड़ सिर्फ इतना ही। फिर हम किसी और जगह पे गए, जब हम वहां पे गए तो हमें मलबरी का दिख गया, तो फिर हमने देखा बाप रे ये तो काफी बड़ा पेड़, हमने कहा यार हमने तो सोचा पेड़ इतने ही हो सकते थे, अब हमें पता लगा ये बड़ा पेड़ भी यहाँ पे। कुछ साल बाद वो कहां पे कहीं और गए, वहां पे उन्हें बनियन का ट्री दिख गया, कौन सा भयंकर बड़ा, ऐसे लटे लटक रही है, और वो बंदा वहां जाके देखे तो ओ माय गॉड मुझे पता ही नहीं था इतना भी बड़ा पेड़। हमें से कुछ लोगों की हालत यह है, हमने देखा ही अभी तक, हालेलुया, और हमें लगता ही क्या है खुदा सिर्फ इतना ही कर सकता है। हमें किसी और का विश्वास लेकर अपने विश्वास को उसके अनुसार सीमित मत कर, तेरा परमेश्वर हर किसी के विश्वास से
बढ़कर है, उसको आप तोल नहीं सकते, उसको आप नाप नहीं सकते। वो गहराई से भी गहरा है, वो लंबाई से भी ऊंचा है, वो चौड़ाई से भी बढ़कर है। आमीन। आप उसको नाप नहीं सकते, इम्पॉसिबल। हालेलुया। तो किसी और का विश्वास देखकर ये मत सोचिए कि आपको भी उतना ही मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। क्योंकि जब कुछ बच्चे अपने बाप से मांगते हैं तो वो बाप ज्यादा देता है, और कुछ बाप और ज्यादा देता है, और किसी और का बाप और ज्यादा देता है। आपका बाप, प्रेज द लॉर्ड, आपने हमारा प्रॉब्लम है, किसी को मैंने इस प्रकार से बोला, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हम सही चीज को कभी मांगते ही नहीं है। हालेलुया। हम सही चीज को कभी मांगते नहीं, हम इतना छोटा मांगते हैं। आमीन। कि परमेश्वर बड़ा देना चाहता है पर हमने कभी मांगा ही नहीं। मैं हमेशा ये लाइन को बोलता हूं, जब आप स्वर्ग में जाओगे आपको सबसे ज्यादा वहां पे क्या मिलेगा पता है? ऐसे प्रार्थना के उत्तर जो आपने कभी मांगे नहीं। एक और बार बोलूं, अगर आपको अंदर तक घुस जाए तो, ऐसे प्रार्थना के उत्तर जो आपने कभी, आप जब, मैं बोल रहा हूं ना, जब हम स्वर्ग जाएंगे ना, हम चौंक जाएंगे। परमेश्वर एक दिन हमें बुलाएगा और बोल, वो देख तेरे लिए रखा था, मेरे लिए तो दिया क्यों नहीं? मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ खुलेगी, स्वर्ग की आशीषे पाओ तुम। तो तूने मांगा ही नहीं, तूने खटखटाया ही नहीं, तूने कभी ढूंढा ही नहीं, तो मैं तुझे क्यों दूं? आमीन। आज आप मांगो, आमीन, परमेश्वर आपको देगा। एक बार नहीं मांगा, दूसरी बार फिर मांगो, दूसरी बार नहीं माना, तीसरी बार मांगो। बच्चे जैसा विश्वास होना बहुत जरूरी है, बच्चे जैसा। दूसरा उसी के अंदर, आमीन। जब एक बच्चे के विषय में आप सीखते हो, प्रेज लॉर्ड, तो बच्चा जब अपने पिता के पास जाता है, तो बच्चा अपने पिता को या माता को क्या करता है, बता देता है कि मुझे इस चीज की जरूरत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पे क्या ऐसा कोई बैठा है जिसने अपने माँ बाप के पास गया और बोला कि मेरी फीस पे कर दो, और फिर उसके बाद जाके मजदूरी की और मेहनत की ताकि फीस आप कमा सको? जाके हम मजदूरी कर रहे क्योंकि पापा को बोला, और उसके बाद भी जाके हम क्या कर रहे, मजदूरी कर रहे जबरदस्ती में, क्योंकि आपके अंदर विश्वास होना चाहिए आप जिससे मांग रहे हो उसने क्या किया है, आपको दे दिया है। क्योंकि अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो आपको देंगे नहीं। कुछ लोग ज्यादा अकलमंद बनते हैं, वो मांगते भी है और फिर खुद भी दिमाग लगाते। हमारे घर पे ज्यादा कुछ नहीं था, एक टाइम था जब बहुत कुछ था, फिर जब विश्वास में आए तो बहुत कुछ त्यागना पड़ा। आमीन। और उसके बाद जब भी मैं अपने डैड के पास जाता था और बोलता था कि मुझे इस चीज की जरूरत है, स्पेशली फीस की, तो मुझे पता था घर पे कुछ नहीं है, और मुझे पता था फीस के लिए पैसा नहीं है, मुझे पता था रास्ते खुलने के लिए मुश्किल है। आमीन। लेकिन मैं तब भी जाके बताता था, क्योंकि मुझे पता था मैं जिससे मांग रहा हूं और वो जिससे मांगेंगे वो उनको देंगे और वो मुझको देंगे, मुझे पता था। तो इसके लिए मैं जबरदस्ती जाकर उनसे मांगने के बाद कहीं जाके मैं मजदूरी नहीं करता था, क्योंकि मुझे पता था जिससे मांगा है वो देगा। मैं आपको एक पॉइंट समझाना चाहता हूं, और ये मेरा 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 फेवरेट पॉइंट। आपने मांगा खुदा से, फिर आप कहीं और नहीं मांग सकते। वो खुदा की तौहीन है, आप खुदा का मजाक उड़ा रहे, क्योंकि आपने मांगा किससे? दो जने आ जाओ, अभी मांग लो। मान लो ये रॉनी है, मैं रॉनी का पिता हूं, रॉनी ने क्या किया, मुझसे प्रार्थना किया, रॉनी कुछ भी मांग, गेट मी अ माइक, आई मीन मांग, जल्दी मांग, कुछ भी मांग लो। अरे मौका पहली बार मिल रहा है, हाँ माइक में बोल दे, माइक में बोल दे। टेलर का गिटार, कितना हम्बली मांग रहा है, आमीन, है ना, जोर से, टेलर का मांग जोर से, टेलर का गिटार, है ना। अब इसने मांगा क्या परमेश्वर से?
कौन सा मांगा? टेलर का गिटार मांगा, मतलब उसका सबसे सस्ता वाला भी 50,000 का आता है, जो सबसे सस्ता होता है। ठीक है, तो उसने क्या किया, मान लो उसने 70,000 का एक क्या किया गिटार उसने मांगा। अब इसने मांगा, इसने क्या किया, किससे मांगा? परमेश्वर से। मान लीजिए अभी फॉर द टाइम भी मैं परमेश्वर हूं, तो इसने क्या किया, मांगा। ये मांगा, अब इसने मांगा और मैंने क्या किया, पर्स में से निकाला, कार्ड निकाला और मैं इसे देने जा रहा था, पर इसके अंदर वेट नहीं था, तो इसने क्या किया पता है? उससे क्या किया, टेलर का गिटार देना। जोर से टेलर का गिटार। इसने मांगा सबसे पहले किससे था? मुझसे। मेरे को क्या करना था? उठाना था और मुझे उसे देना था, पर उसके अंदर सबर नहीं था, तो इसने क्या किया पता है? किसी और से क्या कर लिया, उसने मांग लिया। अब देखना, ध्यान से सुनना, मांगा कौन सा था? टेलर का। आमेन। परमेश्वर देने वाला था, पर इसने इससे गिटार मांगा। अब इसको कौन सा मिल गया बताए? इसको मिल कौन सा गया है? उसको मिल गया, पता नहीं, कोई ना कोई उसे क्या है, छोटा सा उसे मिल गया। अब ये कह तो रहा है मुझे क्या मिला है, गिटार मिला है, पर वो नहीं मिला है जो खुदा, जो तूने मांगा और जो खुदा देना चाहता था। हमारा प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? हमने मांग लिया पर हम लेने के लिए वेट नहीं कर रहे हैं। टिकट काउंटर में जाते हो, भैया टिकट देना, वेट करना पड़ता है लाइन में। आमेन। कभी कितने लोग मैकडॉनल्ड्स में गए, कभी ना कभी रेस्टोरेंट में गए, क्या करते हो भैया, है ना, क्या है, मुझे भैया एक बर्गर दे दो, मुझे एक फ्रेंच फ्राइज दे दो, आमेन, और मुझे एक बड़ा पेप्सी दे दो और एक चिकन का डिब्बा भी दे दो, है ना। फिर वहीं आप खड़े हो जाओगे, फिर क्या करोगे आप, अब पीछे ये बोलोगे, वो कहेगा सर अभी क्या है, बनेगा फ्रेश तरीके से, पैटी निकल के आएगी, फिर वो क्या करेगी, उसके साथ जुड़ेगा, और फिर ये क्या है, इसके अंदर पेशेंस ही नहीं है। बोला तो इसने क्या किया पता है, जाकर बगल में एक और बर्गर वाला था, उसका बर्गर क्या कर लिया, तो जो बर्गर आया वो कोई और खा गया। अभी समझ आया, तेरा भलाई कैसे कोई और खा जाता है? आमेन। क्योंकि तेरे अंदर धीरज नहीं था, जो खुदा से तूने मांगा वो तू खुदा से ले सके, तो वो बेकार नहीं जाता, क्योंकि जब अगला बंदा वेट कर रहा है वो मांगने के लिए, आमेन, जब उसके अंदर धीरज, परमेश्वर उसे उठा के क्या करता है, वो दे देता है। आमेन। तो आज हमारे अंदर क्या होना चाहिए, एक धीरज होना चाहिए, जो मांगा है वो मुझे क्या करेगा, आमेन, वो 100% मिलेगा। आमेन। अभी क्लियर हो गया? बच्चों को पता है कि उनके मां बाप देंगे, आमेन, क्योंकि उनको उनके मां बाप के ऊपर वैसा विश्वास है। हमें भी पिता परमेश्वर के पास ऐसे विश्वास के साथ जाना कि हमने मांगा है वो दे गा। हालेलुया। हमने मांगा है वो देगा। एक और पकड़ सकते हैं, हमने मांगा है वो देगा। शायद आप स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के लिए मांग रहे होंगे, आप आत्मिक बढ़ोतरी के लिए मांग रहे होंगे, आप भौतिक बढ़ोतरी के लिए मांग रहे होंगे, आप एक बच्चे के लिए प्रेयर कर रहे होंगे, आप एक नौकरी या बिजनेस के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, आप पढ़ाई के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, मैं नहीं जानता विषय क्या है, आपने अगर मांगा है तो धीरज रखो, जिससे मांगा है वो हाथ बढ़ा चुका है, वो तेरे पास जरूर आएगा। हालेलुया। अब इसमें एक और चीज है, मांगा है तो लाइन में खड़े भी रहना, मांगा है तो लाइन में खड़े भी। बेटा आज मांग के अगले 4 संडे छोड़ दिए ना, हालेलुया, मांगा है तो खड़े भी रहना है, वेट भी करना है। आई मीन, क्योंकि मांगा है तो परमेश्वर क्या करेगा, 100% देगा। चाइल्ड लाइक फेथ। परमेश्वर ने कहा, पर कुछ लोग आके पूछे कि परमेश्वर स्वर्ग में कौन जाएगा, हमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे ज्यादा आशीष किसको मिलने वाली है। ये शिष्य लोग अपने में कंपटीशन में रहते थे, है ना, यूहन्ना को मिलेगा, पत्रस को मिलेगा, मत्ती को मिलेगा, बर्तलोमेओ को मिलेगा,
फिलिप को मिलेगा, किसको मिलेगा? यीशु मसीह बताइए। यीशु ने बोला, करो, तुम में से जो कोई भी एक बच्चे के समान होगा उसको सबसे ज्यादा बड़ा किसके समान होगा? बच्चे के समान। आमीन। हम सोच रहे बड़ा बनने के लिए, खुदा सबसे पहले कह रहा है हालेलुया, जब तक हमारा विश्वास बच्चा जैसा नहीं है तो हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, और शायद परमेश्वर ने हमें बड़े के लिए चुना है, लेकिन शुरुआत किससे करनी है? अब कभी कभी ये छोटी चीजें दिखती नहीं है, क्योंकि कितना है ये तो, इतनी छोटी चीजें कभी कभी, इतना छोटा विश्वास आपका कभी कभी क्या नहीं करेगा, दिखेगा नहीं, क्योंकि इतना छोटा कौन देखेगा भाई? लोग दुनिया बड़ा देखती है, तो आपका ये छोटा सा दुकान, आपका ये छोटा सा नौकरी, आपका ये छोटी चीजें कभी भी किसी को नहीं दिखती है, छोटी छोटी चीजें, पर ये छोटा कौन देख रहा है पता है? परमेश्वर कह रहा फर्क नहीं पड़ता, उनको दिखता नहीं है, फर्क ये पड़ता है मुझे दिख रहा है, इतना छोटा भी क्या कर रहा है, इतना छोटा भी जो हम आज कर रहे हैं ना, इट इज विजिबल टू गॉड, परमेश्वर उसे देख रहा है, गॉड कैन सी इट, परमेश्वर को पता है मेरे बच्चे को क्या जरूरत है, और आपने क्या किया, चुपके से छोटा सा विषय लिया और छोटे से विषय पे आपने विश्वास किया, और परमेश्वर ने वह छोटा सा विषय पूरा कर दिया, आमीन, और बड़े बाकी लोगों को वो दिखा नहीं, लेकिन आपका विश्वास बढ़ गया क्योंकि आपने क्या किया, छोटे में ट्राई किया, और वो छोटा जब पूरा हो गया तो आपके अंदर एक विश्वास आया, अब मैं थोड़ा सा और बड़ा क्या कर सकता हूं, मैं ट्राई कर सकता हूं, थोड़ा शुरू किया हो गया, फिर शुरू किया हो गया, फिर शुरू किया हो गया, फिर शुरू किया हो गया, आपको शुरू कहां से करना है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कभी कभी हम बिजनेस भी करते हैं ना, हम चाहते हैं एक महीने में चीजें बदल जाए, नहीं बदलेगा। मेरे को बहुत अच्छा लगा पिछले दिनों में महिमा ने मुझे एक चीज बोला, आई मीन उन्होंने मेरे को बोला कि उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो एक महीने करते फिर छोड़ देते हैं, फिर एक महीने करते फिर छोड़ देते हैं, फिर एक महीने करते फिर छोड़ देते, फिर एक महीने करते फिर छोड़ देते, फिर एक महीने करते फिर छोड़ देते, फिर एक महीने करते फिर। सर ये एक महीने का प्रोसेस नहीं है, विश्वास, अगर विश्वास, ये फर्क नहीं पड़ता आपका विश्वास कितना बड़ा है, ये विश्वास फर्क ये पड़ता है आपका विश्वास कितने लंबे समय तक चल सकता है। क्योंकि जब आप राई को एक मिट्टी में डालते हो ना, तो राई अगले दिन पौधा नहीं बनती है, हालेलुया, राई अगले दिन पौधा, तो राई के सामने जाकर क्या है, वो बंदा खड़ा हुआ है और वो वेट कर रहा है, आमीन, कि अभी राई अंदर अंदर क्या हो रहा है किसी को भी नहीं पता, वो देख रहा है, क्योंकि आपको देखकर कुछ लोगों को लगेगा आप बढ़ नहीं रहे हो, आप परमेश्वर में आगे कुछ लोगों को देखकर लगेगा आप, क्योंकि सर आप कुछ पता ही नहीं लग रहा, कुछ अलग से कुछ चेंज, लेकिन राई अपना काम कर रहा है और माली अपना काम कर रहा है, आमीन। सर आप राई हो, राई अपना काम कर रहा है, खुदा अपना काम कर रहा है, आमीन। राई आके बोल नहीं रहा हेलो मुझे आज निकलना, बोला नीचे रहे अभी, अभी क्या है नीचे रहे, अभी इतना जल्दी निकलेगा तो बढ़िया नहीं बनेगा, इसके अभी क्या कर नीचे रहे, आमीन। राई अपना काम कर रहा है, माली अपना काम कर रहा है, माली भी आके जबरदस्ती पानी डाल रहा है, माली आके जबरदस्ती चीजें रख रहा है, क्योंकि उसे पता है अंदर कुछ बढ़ रहा है, आमीन। जब आपके जीवन में कुछ भी नहीं चल रहा तब भी बहुत कुछ चल रहा है, जब आपको लगता है आपके जीवन में कुछ नहीं चल रहा तब भी बहुत कुछ बदल रहा है, हमें नहीं लगेगा कुछ बदल रहा है, हमें नहीं दिखेगा कुछ बदल रहा है, लोगों को नहीं लगेगा कुछ बदल रहा है, बट तब भी परमेश्वर बहुत चीजों को क्या कर रहा है, अगल बगल बदल रहा है, इज चेंजिंग, कुछ ना कुछ उस मिट्टी के अंदर। देखिए राई अपने वजह से नहीं बढ़ती, वो मिट्टी की वजह से बढ़ती है, राई अपने वजह से नहीं बढ़ती है, मिट्टी की वजह से बढ़ती है, आमीन। ये क्वालिटी बीज की नहीं थी, ये क्वालिटी मिट्टी की है, क्योंकि सही मिट्टी में अगर सही बीज को ना डाले तो बीज कितना भी बढ़िया हो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि मिट्टी सही होनी है बीज नहीं, समझ ही नहीं आया ना, दिमाग के ऊपर से निकल गया, आमीन।
मिट्टी इंपॉर्टेंट है, बीज नहीं। आप इंपॉर्टेंट नहीं हो सर, आपके अगल बगल में जो मिट्टी है ना वो इंपॉर्टेंट है। आमीन। और आपका मिट्टी क्या है? आपका मिट्टी है आमीन परमेश्वर का चारों तरफ रहने वाला उपस्थिति। आपका मिट्टी का क्या है? आपका विश्वास आपका मिट्टी है, आपका बाइबल पढ़ना आपका मिट्टी है आमीन, आपका आराधना करना आपका मिट्टी है, आपका संगति रखना आपका मिट्टी है। बीज अगर सही मिट्टी में आ जाए तो वो बीज क्या करती है? पौधा और पेड़ बन जाती है। सही मिट्टी होना बहुत जरूरी है आमीन। अभी प्रॉब्लम ये है, हम यहां आ गए, हमने वचन सुना आमीन, हमें एक मिट्टी मिल गई, लेकिन उसके बाद जब आप बाहर यहां से निकलते हो, आप दुनिया में जाते हो, अगर आप अलग तरीके से जियोगे तो आमीन, तो आपका बीज कभी भी क्या नहीं करेगा, एक पौधा और पेड़ नहीं बन पाएगा। इसके लिए आपको एक बार जो मिट्टी में आपको डाल दिया गया उस मिट्टी पे भरोसा कर कर अपने आप को सौंप देना है। अगर आपने सौंप दिया तो परमेश्वर उसे पूरा करेगा। गॉड इज गोना डू इट। और सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता और कोई नहीं कर सकता। उसके लिए हमें एक विश्वास होना है कि हम कौन सी जगह पे सही। हमें से कुछ लोग आज भी गलत मिट्टियों में पड़े हुए हैं, और जब हमने अपनी मिट्टी सही कर दी आमीन, अपना माहौल सही कर दिया, अपने आप हम क्या होने लगेंगे? हम ग्रो होने लगेंगे, क्योंकि बीज को नहीं पता वो बढ़ेगा कि नहीं, लेकिन मिट्टी क्या करेगा पता है उसको। जो खुराक चाहिए कौन देगा? कौन देगा? मिट्टी देगा। बीज का खुराक कहां से आएगा? मिट्टी से आएगा। आमीन। तेरा भलाई कहां से आएगा? तेरे दुआ से आएगा, तेरे वचन पढ़ने से आएगा आमीन, तेरे अगल बगल के परिस्थिति से आएगा आमीन। तुझे लगा तुझसे आना चाहिए, हमें लगता है हमारे अंदर से नहीं आएगा। हम जिस माहौल में है वो माहौल हमें क्या करेगा? आमीन बढ़ाएगा। अचानक हमारा लाइफ बदल जाएगा, अचानक हमारा सोच बदल जाएगा, अचानक हमारा प्रार्थना बदल जाएगा, अचानक हमारा विश्वास का तरीका बदल जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि माहौल बदल चुका है। सब कुछ मेरे चारों तरफ क्या है, जब बदलने लगा तो मेरा माइंड बदल गया, मेरा सोच बदल गया, मेरा विचार बदल गया। Praise the Lord। और फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, प्रभु का दास पौलुस कहता है, मैं तुमसे कहता हूं आनंदित रहो। बोलो आनंदित रहो। और फिर से उसने कहा आनंदित रहो, दो बार बोला आनंदित रहने के लिए। हालेलुया। कितनी बार बोला? यहां हमसे एक बार नहीं हो पा रहा। हालेलुया। बोला कितनी बार? दो बार। मैं पिछले दिनों में पढ़ रहा था, बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, आमीन, तुम्हें अपने शत्रु का पाप 70 × 7 बार क्या करना है? है ना? तो किसी ने मुझे आके बोला, पास्टर जी वो तो बड़ी आसान सी बात है, हम तो काउंट कर रहे हैं, अभी 6 रह गए, अभी 5 रह गए। मैंने बोला सर 70 × 7 जिंदगी के लिए नहीं है, 70 × 7 एक दिन की बात हो रही है वहां। कितना? 70 × 7 कितनी बार क्षमा करना पड़ेगा? हेलो, कितनी बार क्षमा करना पड़ेगा? 70 × 7 बार। पूरी जिंदगी की बात नहीं हो रही है, वापस जाके पढ़िएगा, एक दिन में क्या करना है उतनी बार क्षमा करना है। आमीन। तो परमेश्वर का वचन कहता तुम्हें क्या रहना है? आनंदित रहना। क्या रहना है? तो आप कह रहे, देखिए मैं आपको एक लाइन बता दूं जो मैंने सुबह के आराधना में प्रचार किया, ये फर्क नहीं पड़ता कि चर्च में आपका विश्वास कैसा है, फर्क ये पड़ता है जब आप प्रार्थना कर बाहर निकलते हैं तो आप उस विश्वास के साथ क्या कर रहे हैं। हालेलुया। इधर तो हमने कूद लिया, इधर तो हम चिल्लाए, इधर तो हम उत्साहित हो गए, लेकिन जब आप बाहर निकले तो आपने उस विश्वास के साथ क्या किया? ऑफिस में गए विश्वास के साथ क्या किया? बिजनेस में गए विश्वास के साथ क्या किया? क्या किया उस विश्वास के साथ? प्रभु का दास कहता है, मैं तुमसे कहता हूं हमेशा, और फिर से तुमसे कहता हूं, तुम क्या रहो? कैसे रहो? आनंदित। तो परमेश्वर कहता है, पहला मैं चाहता हूं तुम लोग आनंदित रहो, फिर से मैं तुमसे कहता हूं आनंदित रहो, क्योंकि क्योंकि एक तो तुम्हें आनंदित रहना है क्योंकि मैंने तुम्हें इतना कुछ दे दिया है, तुम बच्चे हो मेरे, मैंने तुम्हें इतना कुछ दे दिया है, तुम्हें और आनंदित रहना है क्योंकि आमीन, मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा बढ़कर क्या करने जा रहा हूं? मैं तुम्हें आशीषित करने जा रहा हूं, मैं जल्दी आने वाला हूं, इसके लिए तुम क्या करो? आनंद। फिर बोलता है तुम्हारे अंदर क्या रहना चाहिए? अगला वाक्य बोलता है तुम्हारे अंदर कोमलता होनी चाहिए। क्या है? तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए? कोमलता होना चाहिए। है ना? मेरे लिए तो बड़ी मुश्किल वाली बात है,
मैं तो चौंक गया, मैंने कहा परमेश्वर मैंने तो जितना क्षमा कर सकता हूं कर दिया, अब और नहीं कहा करूंगा, तब बाद में पता लगा कितनी बार करना है। मुझे एक्चुअली ये पता नहीं था, मुझे इसी हफ्ते वो क्लियर हुआ है 70x7 बार। कितनी बार? एक दिन में इतनी बार। मैंने कहा हो गया मेरा, इसका मतलब मेरी जिंदगी में कोई दुश्मन? हालेलुया, हमारे पास कोई दुश्मन ही नहीं हो सकता। आमीन। और फिर मुझे समझ आया क्यों यीशु मसीह क्रूस पे गए। उन्होंने अपनी आखिरी प्रार्थना इस प्रकार से कही, हो सके तो इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि खुदा 70x7 है, उससे भी ज्यादा लोग मेरे खिलाफ है, लेकिन मैं उनसे भी ज्यादा लोगों को क्या करने जा रहा हूं? मैं क्षमा करने जा रहा हूं। फिर बोलता है कि परमेश्वर की कोमलता रखो। क्या रखो? कोमलता रखो। हम में से कुछ लोगों के अंदर बिल्कुल वो नहीं है, बाकी सब कुछ है, बस एक ही नहीं है। क्या है? क्योंकि दुनिया में एटीट्यूड सिखाती है, परमेश्वर में कोमलता सिखा रहे। हालेलुया, हालेलुया। भाड़ में जा, तेरी जरूरत नहीं है। परमेश्वर कहता कोमल बेटा। क्या है? कोमल। परमेश्वर क्या क्या रखना है? तीसरा चीज परमेश्वर क्या बता? किसी भी बात की चिंता मैं नहीं बोल रहा। परमेश्वर कहता किसी भी बात की चिंता, किसी भी बात की चिंता, पास्टर को भी किसी बात की चिंता मत दो। परमेश्वर कहता किसी भी बात की चिंता, पर हर चीज प्रार्थना के साथ, निवेदनों के साथ, आमीन, किसके पास आओ? परमेश्वर कहता है किसी भी बात की क्या करनी नहीं है? चिंता। हेलो, चिंता नहीं होनी चाहिए। आप में से कुछ लोगों को विश्वास किस चीज के लिए चाहिए पता है? चिंता के लिए। हमें इतना चिंता अंदर भरा पड़ा हुआ है कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। और परमेश्वर पता है क्या करे? तुम अपनी चिंता क्या करो, तुम हटाओ और फिर क्या करो? प्रार्थना करो। आपको चिंता आ रही है, प्रेयर करो। आपको चिंता आ रही है, निवेदन लेके खुदा के पास जाओ। वो चिंता खुदा के पास ले आओ और फिर बाइबल बताती है धन्यवादी रहो। क्या रहो? क्या रहो? आमीन। धन्यवादी किस चीज का रहना है? जो अभी प्रार्थना किया है वो मिल गया करके, विश्वास करके, परमेश्वर की उपस्थिति में धन्यवाद करना है। हालेलुया। खुदा के सामने प्रार्थना कर कर भीख मांगना बेकार है। आमीन। कोई भी आपको खत्म नहीं कर सकता अगर आपने खुदा के सामने मांग लिया है तो। खुदा आपके लिए रास्ता खोलेगा। खुदा के बच्चे हैं हम लोग। हमें खुदा को पता है, हम मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से जी रहे हैं, आज एक कठिन परिस्थिति में है, कौन मदद करे? खुदा मदद करेगा। यू विल डू इट। तो इसके लिए आनंदित रहो, कोमलता रखो, किसी भी बात की चिंता मत करो, हर चीज के लिए प्रार्थना करो और धन्यवाद करो। खुदा मैंने जो मांगा है मुझे वो मिल चुका है। आमीन। एक बार एक छोटा बच्चा मेरे पास आया, उन्होंने बोला पास्टर अरुल मेरे को ये वाला चॉकलेट चाहिए। काफी अच्छा चॉकलेट था, थोड़ा महंगा वाला था। तो उसने कहा मुझे पास्टर अरुल ये वाला चॉकलेट चाहिए, तो मेरे को मेरे साथ था। मैंने वो बात सुन लिया, ठीक है, मैंने कहा मैं तेरे को दिला दूंगा। और फिर मैंने बोला शाम को दिलाऊंगा, तो सुबह उसने मांगा था। चलते 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 सब काम करते हुए शाम तक मैं क्या करके वो बात को क्या हो गया, मैं भूल गया। जब शाम को मैं भूल गया तो बच्चा मेरे पास आता है और कहता है आपने कहा था वो चॉकलेट दिला, आपने कहा था। तो मैं तुरंत बोला ओ सॉरी, अभी अभी पहला काम किया मैं तेरे लिए। अगर खुदा ने आपकी बात सुनी और नहीं भी करा तो बस आपको इतना ही कहना है आपने कहा था वो चॉकलेट दिला दोगे आपने। मैंने नहीं कहा था, मतलब मेरे तो आपने तो बोला था मांग लो, मांगो तो मिलेगा, मैंने तो मांग लिया। आपने कहा था मिल जाएगा, शाम तक दे दोगे, अभी दिन खत्म होने वाला है, दे दो ना प्लीज। अमेर करते बच्चे आपके साथ कि नहीं? सुबह सुबह आप नौकरी में निकल रहे और बच्चे बोलते अभी नहीं आए मैं शाम को। और जब आप नहीं आए, और मैंने कुछ माओ को देखा है, आमीन, सुबह सुबह निकल जाते बहुत पोच के साथ जाते हैं, बहुत परेशान, लेकिन जब शाम को आते उनको अचानक कहीं से याद आता है घर पे कोई है, उसने कुछ सुबह मांगा था। तो जब वो शाम को आता है तो क्या करता है? वो लेकर आता है। इसी तरीके से आपका परमेश्वर भी, आपने अगर मांग लिया और आपको पता है आपने किससे मांगा है और आपके अंदर वो विश्वास है, तो आपको पता होना चाहिए जिससे मांगा है, आमीन, वो दिन के आखिरी तक क्या करेगा? आमीन, तुझे और मुझे जो जरूरत है परमेश्वर उसे क्या करेगा? और इज इन फुलफिल इट, परमेश्वर से पूरा करेगा। अब ये पांच चीजें करने वालों के लिए अगला वाक्य पता है क्या कहता है? वो कहता है अब तब परमेश्वर की शांति,
तब परमेश्वर की शांति जो सब समझ से बिल्कुल परे है वो तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु मसीह में क्या करेगा। अभी समझ आया, जब आपके अंदर आनंद होगा और उसके आप आनंदित है, उसके बाद क्या है, कोमलता रखा आपने, बोले मेरे पीछे आनंदित, एक बार तो बोल दो आनंदित, कोमलता, तीसरा क्या है बोलो जोर से, जोर से, ऐसे मेरे को क्या बोल रहे हो, अपने आप को बोलो, भैया मेरे को नहीं है टेंशन, तुम्हें ही है टेंशन, बोलो अपने आप को, किसी भी बात की चिंता नहीं है। आमीन। हमें से कुछ लोग बस परेशान घूम रहे, आज इधर से सारा चिंता निकाल के जाना है, किसी भी बात का चिंता नहीं है। आमीन। बोलिए चौथा प्रार्थना, प्रार्थना, बोलिए पांचवा धन्यवाद। आमीन। इसके वजह से आपको क्या मिलेगा पता है, शांति। आमीन। आपका बिजनेस नहीं चल रहा लेकिन आप जब भी वहां पे खड़े हो के हंस रहे हो क्योंकि आपके अंदर क्या है, हर समझ को परे रखने वाला, आमीन, विचारों को बदलने वाला परमेश्वर आपके अंदर एक शांति दे रहा है। Praise the Lord. मैं लास्ट वीक आमीन इस प्रकार से प्रचार कर रहा था थर्सडे को कि योना जब आमीन पत्मस में खड़ा हुआ या उससे पहले जब उसे आमीन आमीन इतने गर्म तेल के अंदर जब डालने वाले थे, आमीन वो बड़ा शांत था, वो बिल्कुल घबराया नहीं। आप जानते हो क्यों, क्योंकि वो आनंदित व्यक्ति था, वो कोमलता रखने वाला व्यक्ति था, उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। लाने से पहले भी दुआ किया था, जहां पे खड़ा था उसके लिए धन्यवाद कर रहा था, सब शांति परमेश्वर ने उसके अंदर दे दी थी। जब आप और मैं विश्वास में एक बच्चे के समान आते हैं, परमेश्वर हमारे लिए कुछ चीजों को करने के लिए तैयार है। कैसे? बच्चे के समान, छोटा। आज छोटे से क्या करो, शुरुआत करो, छोटे से शुरुआत करो। मैं एक गवाही बता के मैं खत्म करना चाहता हूं। प्रेज़ लॉर्ड। आज से कई साल पहले मैं एक सिटी में था जिसका नाम लास वेगास था, तो मैं लास वेगास में गया था और हमारा काम वहां पे थोड़ा टफ था, हम कुछ बच्चों को वहां पे आमीन बचाने का काम हम करते थे। तो मैं उस सिटी में था और सिटी में मैं कई दिन तक उस सिटी में था और मेरे पास फोन या कुछ भी नहीं था। आमीन। और मेरे मॉम मेरे डैड सब ट्राई कर रहे थे क्योंकि मेरा कोई कनेक्शन नहीं था, मैं फोन लेके नहीं गया था उस सिटी में। तो सारा काम करके जब मैं वापस आया तो एक्चुअली मेरे पास जितना भी पैसा था वो पूरा का पूरा क्या है, बिल्कुल ब्लैंक, बिल्कुल खत्म था। मेरे पास लिटरली एक डॉलर भी मेरे हाथ में नहीं था, सारा काम करते मेरा इवन वन डॉलर मेरे हाथ में नहीं था। और मैं लास वेगास से मैं लॉस एंजलिस आया और लॉस एंजलिस से मुझे सैन फ्रांसिस्को जाना था, जहाँ पे 9.5 घंटे का बस का यात्रा मुझे करना है। फ्लाइट में जाने के लिए पैसा नहीं था तो मैंने सोचा बस में थोड़ा और सस्ता होगा तो बस में जाने जाऊंगा करके। और मुझे पता है मेरे पॉकेट में क्या नहीं है, पैसा नहीं, क्योंकि जो कुछ मेरे पास था आई मीन वो एक मिशन के काम में पूरा का पूरा मैंने क्या किया, मैंने दिया, हटा के मैंने रख दिया। मेरे पास लिटरली एक डॉलर भी मेरे पॉकेट के अंदर, एक 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 पानी का एक बॉटल लेने के लिए भी मेरे पास नहीं था। तो मैं जब गया आमीन, जब मैं अपने ट्रेलर गया जहां पे मैं रहता था आमीन लॉस एंजलिस में, तो मैं वहां पे गया तो उन्हें पता था कि उस रात को मुझे जाना है और वो थर्सडे की रात थी आमीन। और उन्हें पता था थर्सडे मुझे जाना है क्योंकि फ्राइडे को मैं एक चर्च संभालता था आमीन। तो मुझे फ्राइडे वहां पहुंचना था पर मेरे पास एक भी रुपया नहीं था आमीन। पूरी रात यात्रा जब मैं लास वेगास से लेके आमीन जब मैं लॉस एंजलिस यात्रा कर रहा था, मैं पूरे टाइम परमेश्वर से प्रेयर कर रहा था, खुदा मेरे पास एक रुपये भी नहीं है और मैं एक रुपये भी किसी से मांगूंगा नहीं क्योंकि मांगने में मेरा काम नहीं है आमीन। और मैं उधार नहीं लूंगा आमीन। तो मैंने दुआ किया, पूरे टाइम मैंने दुआ किया। लोग जब मुझसे बात कर रहे थे आमीन, लोग जब मेरे पास खड़े हुए थे आमीन, सब अच्छा चल रहा था, तब भी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है पता है आमीन, जब मैं लॉस एंजलिस पहुंचूंगा मेरे पास क्या नहीं है, कोई भी पैसा। मैं लॉस एंजलिस में वहां पे पहुंचा आमीन। मैं मेरे जो फ्रेंड है वो उसकी बेटी दोनों ड्रॉप करने के लिए आए तो मैं अपने रूम में गया आमीन। मैंने क्या किया, वहां से अपना जो बैग है वो पैक किया। मैंने 4-5 बार अपना बैग भी चेक किया कि इसके अंदर कुछ डॉलर्स मिल जाए आमीन। तकरीबन मुझे $100 से ऊपर की जरूरत थी तो मैंने कहा मुझे कुछ मिल जाए ताकि क्या है मैं इससे लेकर मैं टिकट लेके वहां पे पहुंच सकूं। मैंने सब चेक किया लेकिन मुझे एक भी डॉलर उसके अंदर नहीं मिला। मैंने क्या किया, अपना बैग पैक किया आमीन। उसने बोला तेरे पास टिकट है, तो मैंने बोला हाँ मेरे पास टिकट है। मेरे पास ना टिकट था, मेरे पास ना पैसा था, मैं मांगना नहीं चाहता था आमीन। मैं परमेश्वर में विश्वास करता था कि परमेश्वर इस रात को आप कुछ करोगे आमीन, लेकिन मांगूंगा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए आमीन। तो मैं गया आमीन और वहां पे ग्रेहाउंड करके एक बस है, उस बस स्टेशन में जाकर आमीन मैं वहां पे
पहुंच गया, उसने मुझे कार से उतारा, कार से उतरा, और फिर मैं वहां पे बस बिल्कुल जहां पे बस स्टॉप है मैं वहां पे खड़ा हुआ, और इसने बोला तू अंदर जा रहा? मैं बोला हाँ मैं अभी अंदर जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कोई पैसा ही नहीं, तो मैं अंदर जा ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास टिकट ही नहीं है, लेकिन मैंने बोला मैं जाऊंगा, तुम लोग जाओ, तुम्हें विदा करके फिर मैं बाहर जाऊंगा। और वो छोटी सी एक बच्ची, उसके 5-6 साल की एक बच्ची उसके साथ थी, और वो बहुत क्लोज थी मुझसे, और हम लोग साथ में थे, हम बात बात कर रहे थे, और फिर ये दोनों जब चल के जा रहे थे तो उसने क्या किया, वो बच्चा जब जा रहा था तो उसने अपने डैड को बोला, डैड आप जाओ मुझे कुछ बात करनी है, और उसके बाद मैं अकेला क्या है उधर बैठा हुआ हूँ, ये सोच रहा हूँ कि कैसे अगला रास्ता खुलेगा, कहाँ से खुलेगा। तो वो बच्ची अपने डैड को बोलती है मुझे अरुल से कुछ अकेले में बात करनी है, इसके लिए आप जाओ, मुझे क्या करना है, इससे बात करना है करके। वो बच्ची क्या करती है, थोड़ी देर में मेरे पास वापस आती है, दौड़ के आती है, उसके हाथ में एक छोटा सा बैग होता है, और वो बैग क्या करती है, वो मेरे हाथ में देती है और वो बोलती है ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट क्या किया है, मैंने तैयार करके रखा था, ये गिफ्ट आप खोल के देखना और मुझे बताना कैसा है करके, है ना। और फिर मैंने क्या किया, वो गिफ्ट उसके हाथ से लिया, वो फुली अच्छी तरीके से पैक्ड था, और फिर वो लोग गए, मैंने थैंक यू कहा, वो चले गए, मैं वहां पे बैठा हुआ हूँ और गिफ्ट पैक्ड था, मैंने कहा यार होगा शायद कुछ, छोटी बच्ची है 5-6 साल की बच्ची, मेरे को क्या मदद कर सकती है, मैं वेट कर रहा हूँ, परमेश्वर रास्ता खोलेगा, और ना कोई स्वर्गदूत आया है, ना कोई मदद करने आया है, मैं वहां पे वेट कर रहा हूं। तो मैंने सोचा चलो कुछ नहीं तो चलो यही खोल के मैं देख लेता हूं। मैंने वो खोल के देखा तो वहां पे उसके अंदर पता है क्या था, एक छोटा सा पिगी बैग था, एक छोटा सा गुल्लक था। मैंने वो देखा और मैंने ऐसे हिला के देखा तो उसमें क्या है, कुछ ना कुछ उसके अंदर हिल रहा था। और मैंने सोचा माय गॉड ये इसके अंदर तो शायद कुछ पैसा लग रहा है, तो वो मैंने जल्दी से उठाया, मैंने जब खोला तो उसके अंदर बहुत सारे सिक्के और नोट थे, बहुत सारे $1 पेनीज, इतने सारे भरे पड़े हुए थे, मेरा दिल इतना ज्यादा, मैं आपको बताऊं मेरे लाइफ में सबसे ज्यादा मदद बच्चों ने किया है। प्राइज द लॉर्ड। और फिर मैं वो लेकर गया, और मैंने क्या किया, जो काउंटर है काउंटर पे मैंने वो पूरा पिगी बैग उठा के डाल दिया, और मैंने बोला I'm so sorry, मुझे ये पूरी तरह काउंट करना नहीं आता, बट कैन यू हेल्प मी, क्या मेरी मदद कर सकते हो काउंट करने में। और उसे काउंट किया, और काउंट करने के बाद उसके अंदर तकरीबन $15 से $16 बच गए थे। मैंने वो $16 अपने पॉकेट में डाला, उसने मेरा टिकट लिया, मैं ग्रेहाउंड बस में चढ़ा, मैं अपने जहां पे मुझे उतरना है मैं वहां पे उतरा, और फिर मुझे वहां से काफी दूर है, थोड़ा दूर है जाने के लिए। जब मैं वहां पे उतरा, है ना, और मैं जब उतरा तो मुझे एक टैक्सी की जरूरत थी, मैंने टैक्सी वाले से पूछा कितना रुपए लगेगा, उसने बोला सर $15 में मैं क्या कर दूंगा, आपको यहां से वहां चला जाऊंगा। जब मैं घर पहुंचा तब भी मेरे पास क्या था, $1 एक्स्ट्रा में परमेश्वर ने दिया हुआ था। What I'm telling you is, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल। आमीन। कि आपका परमेश्वर आपको आज छोड़ दे अगर आपके अंदर राई जितना विश्वास है, बच्चे जितना विश्वास है, अगर आप खुदा के पास जाएंगे और आखिरी सेकंड तक हार नहीं मानेंगे, खुदा आपके लिए एक अद्भुत काम करेगा। मैं चाहे तो मुझे बस एक फोन लेना था, मैं किसी को कॉल करता, मेरे को मदद मिल जाता। मैं चाहे तो किसी को बोल देता कि थोड़ा पैसा भेज दो, मेरे को मदद मिल जाता, पर मैंने अपनी मदद आमीन आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले दाऊद के साथ और दानियल के साथ रहने वाले खुदा से आमीन पहले ही मांग लिया था। खुदा से मांगने वाला इंसान से मांगता नहीं है, ये मेरे को विश्वास था। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हमारे लिए जो है वो आईसीएम के अंदर ही परमेश्वर ने तैयार करके रखा है, हमारे लिए जो है वो खुदा हमारे बीच में ही मौजूद है, हमें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, हमें किसी के पास जाकर आमीन गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। खुदा कहता है व्हाट यू नीड आई हैव गिवन इट, जो तूने मांगा है मैंने दे दिया है, आमीन जो तू चाहता है मैंने दे दिया है, हार मानने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर एक बच्चों वाला विश्वास होना है, क्योंकि स्वर्ग राज्य उन लोगों का है। किसी को भी ये नहीं दिखेगा, पर आप करो, क्योंकि किसको दिख रहा है पता है, उसको दिख रहा है। आमीन। और अपने आप को सही मिट्टी में रखो। बारिश आ रही है, खुदा मैं पढ़ूंगा। आमीन। दिक्कत है, मैं दुआ करूंगा। आमीन। परेशानी है, मैं तब भी तेरी उपस्थिति में रहूंगा, क्योंकि आप ये देखते हो, आप ये नहीं देख रहे, आप ये देख रहे हो। ये अब सवाल ये है, और आखिरी क्वेश्चन हमारा ये, हम कैसे इस हफ्ते बढ़ सकते हैं?
मैं चाहता हूं अगर आप आईसीएम में हैं और आईसीएम के साथ किसी भी आराधना में आते क्यों ना, मैं चाहता हूं कि आप दिन में कम से कम आज से, मैं चाहता हूं अगले 7 दिन तक आप 15 मिनट बाइबल पढ़िए, 15 मिनट, 15 नहीं पास्टर मैं 1 घंटा पढ़ना चाहता हूं, नहीं मैं तेरा पास्टर में जानता हूं, हालेलुया 15 मिनट, हालेलुया क्या है 15 मिनट, कितनी देर, क्योंकि विश्वास किससे आता है पता है आपको, सुनने से, किससे आता है, किससे आता है, आमीन। बाइबल खोलो और ये वाला तरीका मत अपनाना, ये सब खतरनाक तरीके हैं, ये वाला तरीका, आज परमेश्वर ने मुझसे ये बात की, मैं इसके सख्त खिलाफ हूं, In the beginning God created the heaven and earth and the earth was without form and void and darkness was upon the face of the earth and the Spirit of God moved upon the face of the waters. आपको शुरू करना है, शुरू से कीजिए, पहले बच्चे बनिए, बाप नहीं, अंकल नहीं, आंटी नहीं, बड़ा नहीं, डू दिस, जब आप पढ़ोगे, अधिकतर लोग पता है कैसे पढ़ते हैं, मैं बताता हूं, बहुत लोगों को सुना है नींद आना है तो बाइबल पढ़ लो, ये वो नहीं है, आप टाइम लो, थोड़ा जोर जोर से क्या करो, पढ़ो। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, पृथ्वी पर घोर अंधकार था, बेडोल था, परमेश्वर की आत्मा उस पे मंडरा रही थी और फिर परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हुआ, और फिर परमेश्वर ने कहा पानी को अलग होने के लिए और पानी अलग, और फिर परमेश्वर ने अपने हाथ से मिट्टी ली और मिट्टी को एमेन रूपांतर किया और कहा आओ हम अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाएंगे, और खुदा ने अपनी सांस उसके अंदर फूंक दी, और फिर आप एक बाग में आओगे जहां पे परमेश्वर मिलके कहते हैं हमने तुम्हें आशीषित किया और जगत का हर अधिकार मैंने तुम्हें दिया है, जो आपने पढ़ा वो आपके अंदर चला गया, आमीन, जो आपने पढ़ा वो आपने सुना, जो आपने सुना वो आपके लिए विश्वास बन गया, 15 मिनट लीजिए, बाइबल खोलिए, कहीं अलग बैठ जाइए और उसे क्या करिए, पढ़िए। हमारे एक आराधना में आने वाले एक ब्रदर से मैं कल बात कर रहा था, उन्होंने मेरे को बोला पास्टर मैंने उनके बच्चों के लिए एक बाइबल लिया था, तो उन्होंने मेरे को बोला पास्टर आप विश्वास नहीं करोगे हम सिस्टमैटिक तरीके से हर दिन क्या कर रहे हैं, बाइबल को पढ़ रहे हैं, हालेलुया, उनका गवाही ये है, हम हर दिन क्या कर रहे हैं, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, और हमने उत्पत्ति की किताब खत्म कर ली है, हम निर्गमन में पहुंच गए। मैंने कहा कोई जल्दबाजी नहीं है, ना आप अभी मर रहे हो और ना समय कहीं जा रहा है, समय बहुत है, 15 मिनट लेकर इस हफ्ते वचन को पढ़ो, उत्पत्ति से शुरू करो और फिर देखो, और फिर इतना सा विश्वास किसी विषय पे यूज करके देखो, कोई ना कोई इतना सा विश्वास आप क्या करो, किसी भी एक विषय पे यूज करो, प्रॉब्लम है यूज करो, हाथ में है यूज करो, परिस्थिति में है यूज करो, परेशानी में है यूज करो, फिर देखो खुदा आपके लिए और मेरे लिए और हमारे लिए क्या कर सकता है। गॉड इज केपेबल। अगर एक बस स्टॉप में बैठ के खुदा एक बच्ची के मेरे प्रार्थना मांगने से पहले बहुत समय पहले उस बेटी ने उस पिगी बैग को क्या कर लिया था, मेरे लिए तैयार कर दिया था। आमीन। आज मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आपको सिर्फ मांगने की जरूरत है, सब कुछ पहले तैयार हो चुका है,
I mean, it is already ready. परमेश्वर ने कहा मैं जा रहा हूं क्योंकि कोई आ रहा है. तुम प्रार्थना करो क्योंकि जो आ रहा है वो तैयार है. तुम प्रार्थना करो, तुम तैयार होंगे तो जो तैयार है वो तैयारी के साथ आएगा. आप प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, जो तैयार है वो आपके पास क्या करेगा, 100% वो विषय आपके भीतर जरूर और जरूर आएगा. आएगा कि नहीं आएगा? 100% आएगा. तो मैं चाहता हूं इस हफ्ते टेक 15 मिनट्स और बाइबल पढ़िए और कोई ना कोई छोटा सा विषय विश्वास कीजिए उतना सा. और जो भी आपका पहाड़ है उसे बोलिए पानी में चला जा, हट जा, दूर निकल जा, तू मेरे लायक नहीं है और मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता, निकल जा. और मैं आपको गारंटी देता हूं 100% परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में ये करेगा. आमीन. तो कितने लोग अब आज के बाद किसी से कुछ मांगेंगे, किसी से कुछ मांगेंगे? कितने लोग परमेश्वर से मांगेंगे? कितने लोग इंसान से मांगेंगे? देखो आप ट्राई करते, कितने लोग परमेश्वर से मांगेंगे, कितने लोग इंसान से मांगेंगे? हालेलुया. आपके पास नहीं है, आप बोल दो नहीं है. बोलो नहीं है, बोलो नहीं है, नहीं है. ये बच्चा है आपसे आके बोलता है मम्मी ये दिला दो, आपके पास नहीं है, तो आप क्या बोलते हो? इतना इतने धीरे धीरे से नहीं बोलते आप, नहीं है. क्या बोलते हो? नहीं है. पारस आपके पास कोई याद है और आपको बोलता है कि ये चाहिए और आपसे मांगते, आप क्या कहते हो? है ना, हमें से कुछ लोगों को आदत हो गई है झूठी आशा की. एक का दो करके देंगे, दो का चार, चार का आठ मिलेगा करके आशा है हमारे अंदर, अच्छे दिन आने वाले, नहीं आने वाले. सीधा ही बोल दो ना यार, पेट्रोल का प्राइस कभी कम होगा ही नहीं. एटलीस्ट दिल के अंदर ये तो नहीं रहेगा ना अभी 106 हो गए. एक बार बोल दो कि 200 हो जाएगा, खत्म. हमें डर ही नहीं है, हम 200 के लिए पहले प्रिपेयर रहेंगे जैसे हम 100 के लिए थे. आमीन. नहीं है, नहीं है, दैट्स इट. हालेलुया. आमीन. नहीं है तो नहीं है. आमीन. इसका ये मतलब नहीं है नहीं मिलेगा. नहीं है और नहीं मिलना अलग है. नहीं है अभी पर मिलेगा, नहीं है अभी पर करेगा, नहीं मिला है अभी पर मिलने वाला है. आमीन. परमेश्वर अभी नहीं दिख रहा है पर मैंने आत्मिक आंखों से देख लिया है, वो मेरे हाथों में आने वाला है. प्रेज द लॉर्ड. तो रेडी है? पीछे मुड़ोगे? पीछे मुड़ोगे? आमीन. हार मानोगे? आमीन. पीछे मुड़ोगे? हार मानोगे? बढ़ते रहोगे? बढ़ते रहोगे? 100% है. कितना विश्वास चाहिए? हेलो, कितना विश्वास चाहिए? इतना विश्वास ला सकते हो? एक साथ बढ़ेंगे. मैंने पिछले हफ्ते बोला हम सब एक साथ बढ़ेंगे, चाहे हम ऑनलाइन में हो, ऑफलाइन में हो, एक साथ बढ़ेंगे. कोई आगे नहीं जाएगा, कोई पीछे नहीं जाएगा, साथ में आगे जाएंगे, साथ में आगे बढ़ेंगे, साथ में गवाही देंगे, साथ में परमेश्वर के नाम को लेकर आएंगे. आमीन. हार नहीं मानेंगे. God is gonna do it. पीछे नहीं मुड़ेंगे. परमेश्वर मेरे लिए एक अद्भुत काम को करेगा. आमीन. तैयार है? आराधना कर सकते हैं? विश्वास है अंदर, थोड़ा विश्वास है? आमीन. कितने लोग बाइबल पढ़ेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड. बाइबल 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 पढ़ोगे? कौन सा कहां से शुरू करें? हेलो, महीना किससे शुरू करे? एक बार जेनेसिस से शुरू करे. अब तो पास्टर जी ये तो 10वां महीना खत्म होने वाला है, आप जेनेसिस शुरू करो. मैंने तो साल के शुरुआत का सोचा था, कोई नहीं 2 महीने पहले कर ले. हालेलुया. कहां से शुरू करेंगे? पक्का है? आमीन. 100% डायरेक्ट. कहां से? उत्पत्ति से. अचमा से कहां से? उत्पत्ति से. आमीन. एक साथ विश्वास करो, एक साथ बढ़ेंगे, एक साथ दुआ करेंगे, खुदा अद्भुत काम करेगा. We hope today's message was a blessing to you. हम आशा करते हैं कि आज का संदेश आप सबके लिए आशीष का कारण रहा. As we've been learning about faith, और जब हम विश्वास के विषय में सीखते हैं, we've also decided that we will go a step in faith for our live broadcast. हमने ये भी निर्णय लिया है कि हम विश्वास से एक कदम बढ़ाएंगे और हमारे इन वीडियोस के लिए और लाइव के लिए हम लोग एक कदम आगे रखेंगे. As you know that we have decided to make short movies and also
decided that through this live we are going to bring forth more messages and more songs in the coming days. और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमने अपना कदम जो है शॉर्ट मूवीज की तरफ बढ़ाया है ताकि अच्छे-अच्छे संदेश हम लोगों के साथ बांट सके, अच्छे-अच्छे गीतों को हम लोगों के साथ बांट सके. And if you want to partner with us, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, you want to help us, और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं, so that these movies and these short videos can reach to different corners of this world, ताकि ये जो शॉर्ट मूवीज हैं और ये जो गीत हैं परमेश्वर के दुनिया के विश्व के कोने-कोने तक पहुंच पाएं, then you can support us and help us, तो फिर आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं और आप हमारी मदद भी कर सकते हैं. I mean, and we believe, you know, as we partner together, we can do much more greater things than what we are able to do right और हम ये बहुत विश्वास भी करते हैं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ जाएं, अगर आप हमारे साथ मिल जाएं, तो हम इतने बड़े बड़े कार्यों को परमेश्वर के लिए कर सकते हैं जिसको हम सोच भी नहीं सकते. We thank you for your time. हम आपके समय के लिए आपका बहुत धन्यवाद. And we thank you for the kind support and help that you will be extending and that you have been extending. और हम आपका ऑलरेडी धन्यवाद करते हैं जो मदद आप हमें करने जा रहे हैं.